गौरैया, जिसे आम बोलचाल में चिड़िया कहा जाता है, बीते कुछ 10-20 सालों में दिल्ली मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बिल्कुल गायब हो गई हैं, जिसके पीछे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शहरों में विकास, तकनीक और मोबाइल टावर में बढ़ोतरी के चलते ये गौरैया लुप्त हो गई, क्योंकि टावर की हानिकारक किरणें इन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन हाल ही में विशेषज्ञों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि गौरैया लुप्त नहीं हुई, बल्कि इन्होंने शहरी इलाकों से पलायन कर लिया है और अब ग्रामीण इलाके ही इनका बसेरा है, जहां इन्होंने अपनी इस छोटी सी दुनिया को बसा लिया है। शहरी ढांचा इन गौरैया को रास नहीं आ रहा, जिसके कारण ये अपना घर बदलने पर मजबूर हो गई हैं, क्योंकि शहरों में ना तो उसके लिए घोंसले बनाने की जगह बची है और ना ही उसके चुग्गे पानी की जरा भी गुंजाइश। शायद यही वजह है कि वह धीरे धीरे महानगरीय सोच में ढलती आबादी से दूर जा रही हैं, क्योंकि यहां उनके चहकने फुदकने और घोंसला बनाने की क्षमता नहीं है। आमतौर पर बड़े बुजुर्ग कहते सुने जाते हैं कि मोबाइल फोन टावरों से निकलने वाली हानिकारक किरणों के चलते चिड़िया के साथ अनेक पक्षी शहरों से पलायन कर रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रचलित इस धारणा को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि मौजूदा सबूतों से ऐसा कुछ कारण सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 में दो पक्षियों चिड़िया और मोर के बारे में जानकारी अच्छी खबर शीर्षक के साथ दी गई है, क्योंकि आम धारणा के विपरीत बीते 2 दशकों में इनकी संख्या घटी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस रिपोर्ट में गौरैया के बारे में कहा गया है कि आमतौर पर यही धारणा है कि भारत में गौरैया की संख्या कम हो रही है, लेकिन इस प्रजाति की संख्या में बीते 25 से ज्यादा साल में कोई गिरावट नहीं आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कई वजहों से दिल्ली मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चिड़िया की संख्या कम हो रही है। हालांकि मोबाइल टावरों से निकलने वाली हानिकारक किरणों के चलते इस चिड़िया की शहर छोड़ने की बात भी अटकल ही है, क्योंकि मौजूदा साक्ष्य इसकी गवाही नहीं देते। विशेषज्ञों का कहना है कि चिड़िया के महानगरों से दूर जाने की वजह में दाने चुग्गे की कमी, घोंसले बनाने की जगह नहीं मिलना और ध्वनि तथा प्रकाश प्रदूषण हो सकता है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गौरैया के लगातार गायब होने की चिंता जताई जा रही है और उसको बचाने के लिए अनेक अभियान भी शुरू किए गए हैं। यही कहा जा रहा है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली किरणों, कीटनाशकों के कारण गौरैया लुप्त हो रही है। दिल्ली और बिहार में घरेलू गौरैया को राजकीय पंछी घोषित किया जा चुका है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। यह रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 17 फरवरी को गांधीनगर में जारी की गई थी और भारत में पक्षी की स्थिति पर यह अपनी तरह की पहली विस्तृत रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत में मिलने वाली पक्षियों की 1300 से अधिक प्रजातियों में से 867 का विश्लेषण किया गया है। वहीं बता दें कि यह रिपोर्ट 15,000 पक्षी प्रेमियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि पिछले लगभग 25 सालों में 126 प्रजातियों में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।